42 देखने पुरु हॉस्पिटल बिल्डिंग सुपर यहाँ25 तो 45 ऑक्सीजन मलाई खालि यहाँ अलिकति तकलिफ हुँदैछ खालि सास यहाँ छोरा चाहिँ यहाँ बेड पनि छैन भन्छ यहाँ भुइँमा छ बेड पनि छैन भन्छ यहाँनिर क्वारेन्टाइन बसेको नौ दिन भयो चिन्ता नगर्नु अनि कहाँ छ नि यहाँ हस्पिटलमा यहाँ अहिले ल्याएको घरबाट होम क्वारेन्टाइन बसेर हजुर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याएको अहिले म अक्सिजन मसँग छ चिन्ता नगर्नु म अहिले लगाइहाल्छु साथीहरूले पवित्र चिन्नुहुन्छ मेरो छोरा दिदी छोरा आएका छन् उहाँलाई अक्सिजन चाहिएको छ बहिनी तपाईँ मैले यहाँ एउटा कन्सन्ट्रेटर दिइरहेछु कि छैन कन्सन्ट्रेटर लगाइदिइहाल्नु ल डॉक्टर कहाँ गए देखिए मैं अभी करशंग में मैं और हमारे नए विधायक करशंग के हम लोग मौजूद हैं और करशंग अस्पताल हमारा जाना हुआ और यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि 18 जो है कोविड पेशेंट के लिए बेड बना हुआ है और यहाँ डॉक्टर और स्टाफ जो कुछ भी उनके पास मौजूद है उसके सारे जो है अच्छा काम वो कर रहे हैं लेकिन ये बात तो आज मैं सब अस्पताल घूम के देख रहा हूँ ये तय है कि पूरे पहाड़ में कोविड को लेकर के तैयारी जीरो है। ये जितने भी त्रिवेणी को लेकर के जितने भी ड्रामे हुए ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए किए गए। आज भी जो है त्रिवेणी के अंदर यहाँ से कोई सीरियस पेशेंट को भेज नहीं सकते, उनको सिलीगुड़ी रिफ़र करना पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था, ड्रामा था। मुझे दुख होता है हमारे जो पहाड़ के नेता जो GTA की कुर्सी में रहे उन्होंने यहाँ की जनता के साथ इतने घिलौने जो है उन्होंने खेल खेला है। ये बड़ा दुख होता है देख करके। लोग जो है आज इस अवस्था में पहुँचे हुए हैं, लोगों के पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है और बेड के अंदर में ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, उनको सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। और आप सब जानते हैं सिलीगुड़ी में जो अवस्था इससे ज़्यादा ख़राब अवस्था है। अगर हम त्रिवेणी अस्पताल को सही में 100 बेड का वेल इक्विप्ड ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर लगाते तो आज मैं कहता हूँ पार के अंदर में डेली 10-12 लोगों की जो मृत्यु हो रही है इसको रोका जा सकता था। जानबूझ के हमारे नेताओं ने यह गलती की है। मुझे नहीं पता उस अस्पताल को बनाने में कितने पैसे की धांधली हुई, कितनी पैसे की चोरी हुई, लेकिन इतना घिनौना हरकत करके आज जो है हमारे लोगों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है। और लोगों को मन में लगता होगा मैं क्यों नहीं करता, मेरे हाथ में 3 दिन दे दो मैं बता रहा हूँ ये सारी व्यवस्था ठीक कर सकता हूँ। प्रशासन लाचार दिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार को कोई मतलब नहीं है, लोग मरे कि जिए। और ऊपर से यहाँ जो GTA चलाते हैं अब मुझे लगता नहीं उनके पास कितना धन आता था, वो क्या करते थे राम जाने। लेकिन जो भी इफेक्ट यही है कि आज जो है पहाड़ के अंदर में कोविड जैसे बीमारी को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम सब भगवान भरोसे है। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूँ हम घर पे रहें,
बार बार जो है मास्क पहने, हाथ धोते रहे, लोगों से दूरी बना के रखे और बाजार में बिल्कुल ना आए। जब तक कोई जरूरी नहीं हो तब तक बिल्कुल घर से ना निकले, बहुत जरूरी हो तब जो है दो दो मास्क पहन के बाजार जाएं, वो भी कम समय के लिए। आप घर में ही सुरक्षित है। अगर आप बाहर निकलेंगे और आप ये कहेंगे कि हम अस्पताल में ठीक होंगे, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ना के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए जो नर्सेज डॉक्टर काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं। लोगों के उनका लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, कनेक्ट है, इमोशनली लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो कोविड पेशेंट को भी हर डॉक्टर हर नर्स जो है हैंडल कर रहा है, कोई आइडेंटिफाई भी नहीं है किसको देखना है किसको नहीं देखना है। मुझे लगता है उन्होंने अपना पूरा जीवन भी समर्पित करके उनको रखा है। आज मुझे पता चला यहाँ पे करीब 25 कोविड के हमारे नर्सेस बहनें रहती हैं, वो घर जा पाती नहीं और जो है मतलब उनको कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो विधायक से भी बात हुई, हम कल ही उनकी रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे जब तक ये कोविड रहेगा। और आज मैं 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिया हूँ, वो भी इनके काम आएगा। कुछ मास्क भी दे रहा हूँ और ज़रूरत पड़ेगा। देखो हम तो दे ही सकते हैं, उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्टेड लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। या ममता दीदी को भेज देना भाई, पश्चिम बंगाल में इलेक्टेड जनता से चुने हुए लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सिलेक्शन चलता है, सिलेक्टेड लोगों की वैल्यू है। और जिनका जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन से हो जाता है, जो हार जाता है आप देख रहे होंगे, एक मंत्री 40 साल राजनीति करते हुए चुनाव हार गए, अब वो फिर जाके मेयर की कुर्सी में बैठ गए, तो क्या जवाबदेही होगी उनकी? कुछ नहीं होगी। 40 साल तक वो अस्पताल नहीं बना पाए और अब आकर के मेयर की कुर्सी में बैठ गए और जो है शमशान घाट बना रहे हैं। अगर 40 साल तक आपने अस्पताल के बेड बनाए होते, अस्पताल बनाए होते, आज ये नौबत नहीं आती। ये संकट बड़ा है, मैं समझ सकता हूँ, देश भर में है, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की स्थिति ज़्यादा भयानक है। हम सब भगवान भरोसे है, इसीलिए मैं आप सब से आग्रह करता हूँ, आपके माध्यम से जनता से, हम घर पर ही रहकर सुरक्षित रह सकते हैं, कृपया बाहर ना निकले। देखिए अभी एक मैं उतर रहा था और एक पेशेंट आया, बोले उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो मर रहे हैं। तो लकीली आज जब मैं अभी सिलीगुड़ी जा रहा था, एक कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन मेरे पास बचा हुआ था। मैं सोच रहा था कल त्रिवेणी लेके जाऊँगा, तो फिर मैंने इमीडिएटली उनको दिया। अभी उनको यहाँ अस्पताल में एडमिट कराया, कम से कम एक आदमी की जान तो बचे। सो ये कंसंट्रेटर तो और आ रहे हैं, हम और भी देंगे। लेकिन देखिए हम एक आदमी क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ये सरकार और प्रशासन का काम है। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना सकते हैं और जो है नर्सेस डॉक्टर को वो जो है चयनित कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल आदमी बस 2-4 लोगों की मदद कर सकता है, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें जो वास्तविकता है, मैं केंद्र सरकार को भी रखूंगा। कल भी मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और जो है इसके बाद मैं CMO से भी बात करूंगा। वास्तव में स्थिति बहुत भयानक है, इमीडिएटली इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है त्रिवेणी जो अस्पताल है उसको 100% कोविड का ICU और ऑक्सीजन बेड में हम कन्वर्ट कर दें, तो मुझे लगता है पहाड़ की जनता को हम बचा सकते हैं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए वहाँ पे सब कुछ इक्विपमेंट है, ठीक है, वो इक्विपमेंट PM केयर से भी आए हैं और जगह से भी खरीद के रखे गए हैं। लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर है, ना टेक्नीशियन है, ना नर्स है, यही तो कमी। प्रशासन को यही देखना होता है और क्या है, प्रशासन एयर कंडीशन कमरे में बैठ के थोड़ी ना कुर्सी फाड़ेगा। सो ये सब चीज़ें गलत हो रही है, इसको इमीडिएटली ठीक करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और, कर्शेंग के लिए मैं एक एम्बुलेंस भी जो है MP लेट फंड से उसकी भी मैंने घोषणा की है, वो भी जल्द जो है अस्पताल को मिलेगी। सो हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन इसका एक ही उपाय है कि हम घर से ना निकले। मैं जनता से बस यही कहना चाहूँगा। विशेष त हजुर आजको दिनमा एउटा विधायक हुनुभएको छ हैन, र धेरै एउटा जिम्मेवारी तपाईको काँधमा आएको छ। एउटा विधायक भएको नाताले आउने दिनमा भनौँ यस्तो कोभिडको यस्तो महामारीको स्थितिलाई मध्यनजर राखेर तपाईँले कस्तो खालके समाधानको कार्यहरू गर्ने तपाईँले सोच राख्नु भएको छ? अहिले हामीले हेर्नुहोस् यहाँ अस्पतालसँग बात माऱ्यौँ है, अस्पताल प्रशासनसँग बात माऱ्यौँ, यहाँ मात्रै होइन दार्जिलिङमा पनि बात माऱ्यौँ। र कोभिडको जुन एउटा त्रासदी छ, यो साँच्चै नै एउटा त्रासदीको रूपमा उभिएको छ। यहाँ कुनै अहिले भर्खरै सांसदले भन्नुभयो कि हामीसँगै थियौँ आज दिनभरि है, कुनै प्रकारको व्यवस्था छैन, केही छैन, एकदमै मान्छे मर्नलाई छोडिदिएको जस्तो स्थिति छ। डक्टरहरू लाचार छन्, नर्सहरू लाचार छन्, उहाँहरूले त सीमित संसाधनभित्र काम गरिरहेकै छन् है।
र मैले अहिले यहाँ खरसाङको विशेष गरेर चाहिँ अघि यहाँ मैले कुरा दिएको छु कि म भोलि आउँदैछु, आएर यहाँको सबभन्दा पहिला त के कस्तो कमीहरू छ उहाँहरूसँग बात मारेर हामीले अब यो कमीहरूलाई कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, पहिला उहाँहरूकोबाट जम्मै कुराहरू सुनिसकेर हामी एउटा भोलि बैठक गर्नेछौँ। त्यो बैठक पछाडि हामी निर्णय लिनेछौँ कि अस्पताललाई कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। मैले मेरो चुनावको प्रचारमा पनि भनेको थिएँ कि अस्पताललाई राम्रो बनाउँछु भनेर, र त्यो दिशामा भोलिदेखि नै हामी काम सुरु गर्नेछौँ। विशेष त अहिले भ्याक्सिनेसन पनि चलिरहेको छ है, यो भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ कतिवटा गाउँमा यस्ता बिमारीहरू पनि छन् कि जो चाहिँ ह्यान्डिक्याप छन् है, जो चाहिँ प्यारालाइसिस भएर तलिन आफ्नो बेडमा नै छन् है, उहाँहरूको निम्ति गाउँमा नै लगेर है भ्याक्सिनेसन गाउँमा भन्दा पनि अब अहिले जहाँनिर बढी गाह्रो हुँदैछ त्यो ठाउँहरूमा, जुन ठाउँमा भ्याक्सिनको खाँचो छ त्यो ठाउँहरूमा पहिला जरुरत पुग्नुपर्ने हो। भ्याक्सिनेसन त्यसै पनि कमी छ र जति जति आपूर्ति हुँदै जान्छ हामीलाई लाग्छ पहिला जहाँ खाँचो पुगेको ठाउँहरू खाँचो पर किन गाउँहरूमा यो कुरा अलिक ढिलो हुनु त गाउँहरूमा नि अहिले एकदमै कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, तर तुलनात्मक रूपमा सहरमा बढी छ, गाउँमा पनि त्यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ बेसी मान्छेहरू आउजाउ हुन्छ त्यो ठाउँहरूमा छ। त्यसले गर्दा ती ठाउँहरू पहिला चिन्हित गरेर त्यस्तो ठाउँहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर कहाँनिर पहिला जरुरत छ के छ त्यो कुराहरूलाई हामीले गरेको राम्रो हो, त्यो भोलि हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। हजुर, जाँदा जाँदै हजुरलाई आम जनतालाई तपाईँ एक विधायक भएको नाताले के शुभ सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? शुभ सन्देश भन्नाले चुनाव जित्ने बित्तिकैदेखि मलाई हराएको जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, म आइनँ, तर त्यसको दुई तिनवटा कारण थियो। एउटा त म तपाईँको शपथ ग्रहणमा गएको थिएँ, शपथ ग्रहणबाट फर्किसक्ने बित्तिकै फेरि सिलगढीमा पाइला नटेकिकन फेरि विधायक दलको नेता चुन्नको लागि बोलाइयो, र हिजो मात्रै म आएँ, आएर हिजो मात्रै एउटा मैले मेरो आफ्नो निजी कोषबाट, विधायकको कोषबाट होइन, निजी कोषबाट कोभिडसँग फाइट गर्नको लागि धेरै इक्विपमेन्टहरू किनेर आज खरसाङ आइपुगेको छ, र भोलि हामीले त्यो एउटा टिम बनाउँदैछौँ यसको लागि, त्यसको पनि भोलि नै म तपाईँहरूलाई डिटेल दिनेछु नि है। र खरसाङवासीलाई नसुर्ताउने भन्छु, मैले गर्नुपर्ने जम्मै प्रकारको कामहरू र मैले दिएको वचनहरू प्रत्येक वचन नै म पुरा गर्दै जानेछु। म आशा गर्छु राज्य सरकारले हामीले चाहेको राम्रो सकारात्मक कार्यहरूमा अवश्य पनि सहयोग गर्छ होला, र सहयोग गर्नु उहाँहरूको पनि परम कर्तव्य हो, किनभने विधानसभामा जनताको लागि हामी काम गर्छौँ भनेर केवल हामी विपक्षीले मात्र कसम खाएका छैनौँ, सरकार पक्षकोले पनि कसम खाएका छन्। हामी त आफ्नो कसम निभाउने पक्षमा छौँ, बाटोमा हिँड्छौँ, र म आशा गर्छु सरकार पक्षमा कसम खानेहरूले पनि विधानसभामा खाएको कसमको पुरा मान राख्नेछन्।